नमस्कार दोस्तों, मैं वैजनाथ आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है राइड्स एंड फिशिंग एडवेंचर्स। दोस्तों आज मैंने एक आइटम मंगवाया है अमेज़न से जो कि हमें नाइट फिशिंग पे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों ये है हेडलैम्प है एलईडी वाला जो कि मुझे अमेज़ॉन में मिला है ऑफर प्राइस पे 699 रुपीज़। तो आज हम बनाएंगे इसका अनबॉक्सिंग का एक छोटा सा वीडियो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको ओपन। पैकिंग कुछ उतनी खास नहीं है अमेज़ॉन के, आप देख सकते हैं चारों तरफ से थोड़ा बहुत डैमेजेस हुए हैं बॉक्स पे। ओपन करके देखते हैं अंदर प्रोडक्ट कैसा है। तो बॉक्स की हालत थोड़ी बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि पूरा साइड्स पे भी कट गया है बॉक्स, और इसके अंदर है ये प्रोडक्ट अपना और ये शायद इसका बिल होगा। इसको करते हैं साइड में और फिर दोस्तों खोलते हैं हमारा प्रोडक्ट। तो ये कुछ पैकिंग में आया हुआ है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट। ये है ऑल परफेक्टिव इंडक्शन हेडलैम्प। ये एलईडी है और इसमें चार मोड दिए गए हैं जैसे कि मैंने पहले सर्च में देखा था, उसमें मोशन सेंसर भी दिया गया है। तो देखते हैं पूरा भी चेक करते हैं। ये है इसका बिल अमेज़ॉन की तरफ से। वैसे तो अमेज़ॉन से प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। तो ये आता है कुछ इतना छोटा सा पैकिंग में इन ब्लैक कलर। ये तो ये है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिप दी गई है जिसमें हम साइज एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों तरफ से कम ज़्यादा करने के लिए साइज दिया गया है। उसके बाद ये यहाँ पे इसका सामने जो है इसके कॉब एलईडी, उसके बाद यहाँ पे इसका फॉग लैम्प या एक स्पॉटलाइट दी गई है जिसे कहते हैं एक्सपी एलईडी। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ब्राइटनेस और बैटरी लाइफ दी गई है बॉक्स के ऊपर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो कॉब एलईडी है उसको अगर हम 100% ब्राइटनेस में चलाएंगे, 100% में चलाएंगे तो ये 350 लुमिनस का लाइट देगा और बैटरी इसकी बैटरी बैकअप मिलेगा हमें 2.5 आवर्स का। और उसी के साथ दोस्तों अगर हम इसी कॉब एलईडी को अगर 40% में चलाएंगे तो 150 लुमिनस का लाइट देगा और ये इसका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा 5 आवर्स के लिए, मतलब 2.5 से इसका डबल हो जाएगा, 5 आवर्स तक इसका बैटरी बैकअप आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर हम फ्लैश दिया है पर इसमें फ्लैश मोड नहीं है, एक्सपी को अगर हम 100% में चलाएंगे जैसे कि अपना स्पॉटलाइट है उसको अगर हम 100% में चलाएंगे तो वो देगा 150 लुमिनस का पावर देगा जिसमें हमें बैटरी बैकअप मिलेगा 4 आवर्स का। और अगर हम स्पॉटलाइट को अगर हम 40% में चलाएंगे तो ये 60 लुमिनस का हमको ब्राइटनेस देगा जिसका बैटरी बैकअप, जिससे हमारा बैटरी बैकअप बढ़ के लगभग 8 आवर्स का हो जाएगा। तो ये तो पूरा दोस्तों जो कंपनी का है, तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली जब यूज़ करेंगे तभी हमें पता चलेगा इसकी बैटरी बैकअप हमें कितनी मिलेगी। तो ये दोस्तों एक्चुअली जो इसका जो मेन टॉर्च है इसके अंदर है जो आपको कलर में दिख रहा होगा ये है, ऊपर वाला जो है इसका पूरा ब्लैक है जो है रबर वाला है। ये पूरा इसका केस है जो कि वाटर रेजिस्टेंट के लिए रबर का बनाया गया है। तो इसमें हमें मिलता है दोस्तों एक ऑन ऑफ स्विच, मोशन सेंसर, एक जो मोशन ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है मोशन सेंसर को, और उसके साथ में यहाँ पे इसका आता है एक चार्जिंग पोर्ट जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, जहाँ पे ये सी टाइप केबल का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और उसके ऊपर एक छोटा सा वाटर रेजिस्टेंट कवर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको ऑन करके देखते हैं ये एक्चुअल में दिखता कैसे। तो इसको तो हम पहले तो यहाँ पे ऐसे हेड पे इसको माउंट करेंगे,
या तो हेड या फिर आप कैप के ऊपर भी डाल सकते हैं, ये आप ऐसे माउंट होता है। उसके बाद अगर हम ऑन स्विच को एक बार ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट मोड में आ जाएगा, जैसे कि ये हमारा जो कॉब एलईडी है वो ऑन हो जाएगा वन प्रेस पे। फिर उसको हम अगर डबल टैप करेंगे तो ये 40% में आ जाएगा। फिर थर्ड करेंगे तो ये स्पॉटलाइट पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये देखिए ये स्पॉटलाइट है इसका। फिर इसको अगर हम एक और बार टैप करेंगे तो ये स्पॉटलाइट में लो में आ जाएगा। फिर इसको एक बार और प्रेस करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। अगर हमें फिर से स्पॉटलाइट ऑन करना हो तो ये डायरेक्ट स्पॉटलाइट में नहीं जाता है, तो इसको हमें 3 बार प्रेस करना पड़ेगा ताकि स्पॉटलाइट ऑन हो सके। तो 1, 2 और 3, तो ये अपना स्पॉटलाइट ऑन हो गया है। तो इसको एक बार और करेंगे तो ये लो में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो सेंसर का जो सेंसर डिटेक्टिंग का जो स्विच है, जो वाईफाई का बटन दिया गया है, उसको एक बार प्रेस करेंगे तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये देखिए, जैसे ही 12 इंचेस डिस्टेंस में मेरा हाथ चला जाएगा ये ऑन हो जाएगा, जैसे ही हाथ चला जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। जैसे कहीं हम बाहर जाते हैं तो हमें रेगुलर लाइट की अगर ज़रूरत है तो हम इसको रेगुलर ऐसे ऑन रख सकते हैं, और अगर रेगुलर लाइट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कुछ जगह पर चाहिए, बाकी जैसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह अवेलेबल है, तो हमें कहीं जहाँ ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पे हमें अगर लाइट की ज़रूरत है, तो हम इसको बार बार इसका स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एक बार ऐसे मोशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसमें जिसके वजह से हमें बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होगी। और ख़ासकर मैंने इसको लिया है फिशिंग के लिए, तो फिशिंग के लिए दोस्तों ये बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि फिशिंग में ऐसा होता है कि जब हम फिशिंग के लिए कास्टिंग कर किया हुआ रहता है या फिर, तो उस समय हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमें फिश कोई बाइट करती है या कैच करती है या हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, दैट टाइम ओनली वी नीड दैट लाइट। तो उस समय हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये जो सिस्टम है। जैसे हम हाथ एक बार घुमाएंगे तो ये हमें जैसे आगे बढ़ना है तो उसको छूने की ज़रूरत नहीं, जस्ट उसका डिस्टेंस का 12 इंच के डिस्टेंस में अगर हमारा हाथ आता है तो अपने आप ऑन और ऑफ हो जाता है। एक बार हम करेंगे तो ऑन हो जाएगा, एक बार करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, तो ये उसी मोड में ऑन ऑफ होता रहेगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है दोस्तों। जैसे कि अभी हमको कॉप की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें फॉग की ही ज़रूरत है, और उसमें भी हम लो में रखेंगे और उसके बाद अगर इसको एक्टिव करके रखेंगे तो ये इसी में रहेगा। तो दोस्तों ब्राइटनेस का जो है, इसका जो रात में ये कैसे दिखता है, वो एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, उसके में आप देख सकते हैं। देख के गाइस, ये हमने एक लाइट लिया है, आप देख सकते हैं कितना ब्राइटर है, पूरा बहुत सही से दिखाई दे रहा है। ये इसका 1 पॉइंट है, इसके बाद ये इसका सेकेंड, ये लो, उसके बाद आता है ये स्पॉटलाइट, आप देख सकते हैं ये देखिए स्पॉटलाइट है, इसमें स्पॉटलाइट में ये है लो। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, फिशिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक लाइट मिला है, देख सकते हैं कितना ब्राइटर, कितना साफ व्यू दिखता है इसका। तो ये है दोस्तों एक छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो। हालांकि प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, 699 मतलब ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जनरल यूज़ के लिए बहुत सही है, मैं ये नहीं कहता कि जो फिशिंग करते हैं वही परचेस करें। आप वॉकिंग के लिए जो जाते होंगे नाइट वॉकिंग पे या कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं तो उस समय भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर। दोस्तों ये था हमारा आज का एक छोटा सा ब्लॉग जो कि एक वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट के बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।